हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षक काउंसलिंग की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सक्षमता पास शिक्षक काउंसलिंग की अगर बात करिएगा तो उनका स्लॉट जो है ऑनलाइन हटा दिया गया था। अब यहाँ पे उसमें एक नया चीज़ ऐड ऑन हो चुका है कि आप लोग को सक्षमता परीक्षा का जो काउंसलिंग होने वाला है उसकी सूचना ई शिक्षा कोर्स पर जो है दिया जाना शुरू हो चुका है और उस पर आप लोग को नोटिफिकेशन आ चुका होगा। अगर आप लोग यहाँ पे अपना लॉगिन कर करके देखते हैं तो आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी उन्हीं शिक्षकों को देखने को मिल रहा है जिनका काउंसलिंग 9 या 10 तारीख को है और उनका जो है मैसेज जो है आना शुरू हो चुका है। और न केवल इस शिक्षा कोर्स पर बल्कि ऐसे भी टेक्स्ट मैसेज के तौर पर आना उनका शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो अपना टीचर लॉगिन करिएगा तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आइएगा तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर दिखेगा, उसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट या विषय क्या है, सक्षमता परीक्षा 1 क्वालिफाइड लोकल बॉडी टीचर, उसके बाद आपका नाम रहेगा योर, और उसके बाद साथ ही साथ आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी होगा वो होगा योर काउंसलिंग फॉर सक्षमता परीक्षा 1 इज शेड्यूल्ड एज फॉलोड अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। अपना आपका जो भी अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे जैसे इनका पटना अलॉटेड है तो पटना लिखा हुआ है, आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर के होंगे तो मुजफ्फरपुर लिखा हुआ मिलेगा, दरभंगा वाले का दरभंगा लिखा हुआ मिलेगा। डेट ऑफ काउंसलिंग आपका 9/8/2024। स्लॉट आप लोग का जो भी होगा, जैसे 3, 4, 5 जो भी हो, 1, 2 जो भी होगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और टाइम आपका हो जाएगा 1:30 से 3 बजे तक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BEP के तरफ से आपको मैसेज आएगा और जिस दिन आपको मैसेज आएगा उसका यहाँ डेट लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोग का इन्फॉर्मेशन था